सदाचार का तावीज। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं पर वो सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वो हमें नहीं दिखेगा, सुना है वो बहुत बारीक होता है, हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदि हो गई हैं कि बारीक चीज नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है, पर अपने राज्य में जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंज कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वो कहां है ये पता नहीं चलता, तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वो हाथ की पकड़ में नहीं आता, वो स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहां, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है, कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वो बिल झूठा है, वह वास्तव में 2 गुने दाम का है, आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं, विशेषज्ञों तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हां महाराज हमने उसकी भी योजना तैयार की है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है, ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए, इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए।
राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हां, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करें क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, ये योजना क्या है, एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूं, पर ये हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज निकालकर राजा को दी। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूं। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस तावीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को तावीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर तावीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का एक कारखाना खोल देते हैं, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे।
एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखें तो कि यह तावीज कैसे काम करता है। वो वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वो एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहां से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का तावीज बांधकर नहीं आए? बांधा है सरकार, ये देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना। तावीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। हरिशंकर परसाई।